सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिम गुरु जी में। साथियों, आपके लिए मैं जो वीडियो लाया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये आपके आने वाले पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए पुलिस के रैंक और उनके जो बैच होते हैं कि किसको कितने स्टार होते हैं, कितने जो आपके ऊपर आपका अशोक स्तंभ लगा होता है, कैसे कैसे आपका जो रैंक होता है उसको मैं आपको कांस्टेबल से लेकर DGP तक सारे दोस्तों बैच के माध्यम से और आपको नाम के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे जो छोटी पोस्ट होती है तो वो होती है कांस्टेबल की, आप सभी लोग जानते हैं पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक दो बार पहले भी ये क्वेश्चन आए। तो जो कांस्टेबल होता है दोस्तों उसके ऊपर शोल्डर पे एक इस तरह का आपने देखा होगा, तो यहाँ पे स्टेट का नाम होता है, स्टेट पुलिस का नाम होता है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश है तो इसमें क्या होता है HPP। यहाँ पे मुझे HPP का नहीं मिला, ये ओडिशा पुलिस का मिला है, ये दोनों ही हर जगह सेम होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें OP लिखा है तो उसमें HPP लिखा होता है, सिर्फ ये आपके शोल्डर पर फीती टाइप लगी होती है तो आपके ये पहचान लेना कि ये कांस्टेबल के ऊपर लगी होती है। तो इससे जो बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों वो होती है हेड कांस्टेबल की। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल को इस तरह से जो आपके यहाँ पे बाजुओं में फीती लगी होती है इसको बोलते हैं हेड कांस्टेबल। और इससे जो बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों ये होती है आपके ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोस्तों इसके आप देख सकते हैं शोल्डर पर एक स्टार लगा होता है, रेड और ब्लू कलर की दो फीतियाँ भी उसके साथ साथ लगी होती है स्टार के साथ में। तो ये आपके जो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सॉरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का पहचान होती है। जो अगली पोस्ट है दोस्तों वो होती है आपके SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। इसके दो स्टार होते हैं शोल्डर पे लगे हुए, साथ में एक रेड और ब्लू कलर की जो दो फीतियाँ पट्टियाँ लगी होती है, ये आपके सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के जो है पहचान होती है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी रैंक, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर आपके जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, एक वीडियो उसके बारे में बनाई है, यदि आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि वो वीडियो भी आपके फॉरेस्ट के एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। देख लिया दोस्तों आपने सब इंस्पेक्टर SI का। जो अगला होता है दोस्तों वो होता है इंस्पेक्टर, यानी कि इंस्पेक्टर के तीन स्टार जो है आपके शोल्डर पे होते हैं और साथ में होता है आपका HPP OP, जैसे आपके हरियाणा पुलिस होगा HP होगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका इंस्पेक्टर के आपके तीन स्टार लगे होंगे और यहाँ पे जो आपने सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लाल और ब्लू फीती देखी थी वो इंस्पेक्टर में नहीं लगी होती है। इसके जो बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों वो होती है आप देख सकते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP, इसको दोस्तों ACP भी कहा जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी ACP को ही कहा जाता है और ये जो DCP भी इनको ही कहा जाता है। और इनके बैच की बात करते हैं दोस्तों तो इनके जो शोल्डर में तीन स्टार लगे होते हैं और दोस्तों जो आपको इंस्पेक्टर में भी तीन स्टार देखने को मिलते हैं। आपको डाउट हो रहा है कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, इंस्पेक्टर में भी तीन स्टार है और DSP में भी तीन स्टार है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इनकी जो पहचान होती है वो आपको मैं बताता हूँ, स्टार इनके दोनों के तीन तीन होते हैं पर इनकी जो आपके सब इंस्पेक्टर है उसके नीचे लिखा होता है स्टेट पुलिस का नाम, ठीक है दोस्तों। स्टेट जैसे आपके हिमाचल प्रदेश में होगा HPP, ठीक है, और जैसे उसमें होगा ओडिशा पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये होगा आपके इंस्पेक्टर में। और जो आपके DSP में होगा वो होगा आपके जैसे आपके हिमाचल का होगा HPS हिमाचल पुलिस सर्विस, OPS ओडिशा पुलिस सर्विस, इस तरह से होता है लिखा हुआ दोस्तों। क्योंकि जो ये DSP और आपके जो इसको SCP भी कहा जाता है, ये जो आपके स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जैसे मैं हिमाचल की बात करता हूँ, जैसे आपके हिमाचल प्रदेश में HAS का एग्ज़ाम होता है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, उसके थ्रू ये जो है आगे DSP का जो पोस्ट है वो क्रिएट की जाती है, उससे ही DSP बनते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला है
एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दोस्तों, इनके आप देख सकते हैं एक अशोक स्तंभ लगा होता है इनके शोल्डर पे, और साथ में क्या लिखा होता है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। ये दोस्तों आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करके आईपीएस बनते हैं। आप देख सकते हैं इनको डीसीपी भी कहा जाता है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी, डीसीपी भी इनको कहा जाता है। इनकी जो 10 साल की सर्विस होती है उसके बाद इनको डीसीपी या एसीपी बनाया जाता है। अगला है एसपी। दोस्तों जो एसपी आप देख सकते हैं ये स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है एसपी। इनका होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इनको डीसीपी भी कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी इनको कहा जाता है। इनके जो आप देख सकते हैं इनके शोल्डर में एक आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, और दो स्टार देखने को मिलेंगे, और साथ में आईपीएस का जो बैच इनमें लगा होता है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से आपके तमाम जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपकी लाने की कोशिश करता हूँ। अगला है डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप देख सकते हैं इनके जो शोल्डर में है एक अशोक स्तंभ लगा होगा, तीन इनको स्टार देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको आईपीएस का जो टैग इनमें लगा होता है। ये डीजीपी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पहचान होती है। अगला है इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी। आपने सुना होगा आईजी, आईजी बोलते हैं, इनकी जो फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। और इनको ही आपके स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एसआईजीपी भी कहा जाता है। और इनकी जो बात करते हैं शोल्डर में, तो इनके एक स्टार और साथ में इनको क्रॉस जो आपको देखने को मिलेगा, इनके भी आईपीएस का टैग लगा होता है। फिर आपका दोस्तों एक पोस्ट आती है एडीजीपी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करते हैं तो दोस्तों इनके जो शोल्डर है मैं होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इनका एक अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, और साथ में इनका जो आपको क्रॉस देखने को मिलेगा, और आईपीएस का टैग भी इनमें लगा होता है। और अब बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है जिसके अंदर पूरा स्टेट होता है उसकी बात करते हैं, उसको कहते हैं डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस का सबसे बड़ा जो पद होता है। ये पहले भी कई बार एग्ज़ाम में पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो पुलिस स्टेट पुलिस का सबसे बड़ा जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, वो होता है डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इनके बात करते हैं शोल्डर में, तो इनके एक अशोक स्तंभ होता है और साथ में इनको क्रॉस बना होता है, और आईपीएस का टैग इनमें लगा होता है। और दोस्तों जो आपके डीजीपी और आपके जो एडीजीपी होते हैं इनके जो आपके शोल्डर में सेम ही जो आपको जो टैग होते हैं बैच होते हैं देखने को मिलेंगे, बस इनकी जो पोस्ट है एक एडीजीपी होता है और एक डीजीपी होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जितने भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों वीडियो को आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी महाशिवरात्रि।